वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल प्लेयर्स रिकॉर्ड पे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे स्कॉटलैंड और इंग्लैंड 11 के बीच में जो अगला T10 का मैच होगा ना। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको दोनों ही टीमों के पूरे इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ बैटिंग ऑर्डर के साथ। दोस्तों, कौन से प्लेयर आपको इस मैच के अंदर ओपन करते हुए दिखेंगे, कौन से प्लेयर फर्स्ट राउंड पर खेलने वाले हैं, सारे प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन से बॉलर आपको इस मैच के अंदर कंप्लीट 2 ओवर तक बॉलिंग करते हुए दिखेंगे और किसे आप कैप्टन वाइस कैप्टेंसी के लिए ले सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करने वाला हूं। यकीन मानो दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, तो एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो के नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा दोस्तों, इस पर एक बार क्लिक कर दें। साथ ही साथ यहाँ पे जो बेल आइकन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको भी एक बार सिलेक्ट जरूर कर लेना, ताकि आने वाले T10 और T20 मैचेस का वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूंगा आपके पास सीधे नोटिफिकेशन जाएगा और सारे मैचेस का जानकारी आपको इसी प्रकार मिल पाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा बताया गया स्टैट्स पसंद आता है, इस वीडियो से अगर आपको ज़रा भी हेल्प मिलता है, तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करना दोस्तों। और सबसे ज़रूरी है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको एक एरो का बटन दिख रहा होगा दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो हो जाएगा। दोस्तों, इस ग्रुप में ज्वाइन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लाइनअप के बाद आपको फाइनल टीम यहीं पे मिलेगा। अभी तो हम लोग टीम बनाएंगे ही, लेकिन हो सकता है कि एक दो खिलाड़ी लाइनअप के बाद चेंज होगा और वही टीम में आपको फाइनल टीम के रूप में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो एक बार ज्वाइन जरूर कर लेना, इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मैंने शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जहाँ आप कमेंट करते हैं दोस्तों, पहला कमेंट में लिंक आपको पिन कर दिया है, जैसे आप क्लिक करोगे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, एक बार ज्वाइन जरूर कर लें। तो चलिए अब स्टैट्स की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, ये जो मैच है कोटावा ऑल ग्राउंड स्पेन में ये मुकाबला होगा दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा इस सीरीज के सारे मैचेस यहीं पे हो रहे हैं। बाकी पिच रिपोर्ट की बात करते हैं तो दोस्तों, ये जो ग्राउंड है ना, मतलब यहाँ पे इस ग्राउंड पे अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार मैचेस हुए हैं, आप बैटिंग पिच कह सकते हैं क्योंकि 10 ओवर का गेम है, 60 गेंदों का ये गेम होता है लगभग। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 110, 120 या फिर 100 से ऊपर आप कह सकते हैं कि स्कोर देखने को मिला है। बैटिंग पिच है, इस मैच के अंदर देखोगे तो इंग्लैंड 11 के टीम के जीतने चांसेस ज्यादा है। और ये जो मैच है 5 बजे आपको ये देखने को मिलेगा। दोस्तों, स्कॉटलैंड की टीम की बात करेंगे तो 16 मैचेस अभी तक इन्होंने खेला है, 9 मैचेस जीता है दोस्तों, और बाकी के 7 मैचेस देखोगे तो लॉस करते हुए आए हैं। लेकिन इंग्लैंड 11 की टीम की बात करते हैं दोस्तों, तो अभी तक इन्होंने 6 मैच के अंदर 2 ही मैचेस जीता है, लेकिन 4 मैच लॉस किया है। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे इस मैच के अंदर थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे दोस्तों मजबूत नजर आएंगे इंग्लैंड 11 की टीम, क्योंकि रिसेंट अगर आप 2 मैचेस को इनका ध्यान देंगे, दोनों मैचेस जीते हुए आ रहे हैं। तो चलिए अब स्टैट्स की ओर आगे बढ़ते हैं, बैटिंग ऑर्डर पे फोकस करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो स्कॉटलैंड 11 की टीम की बात करेंगे सबसे पहले, तो ये जो टीम है दोस्तों, मिचेल इंग्लिश जो कि ओपन करते हैं, लेकिन लास्ट के कुछ मैचेस में नहीं खेला है, अभी तक 113 रन स्कोर कराया है, तो आप इनको फिलहाल तो यहाँ पे इग्नोर करते हुए चलें। बाकी जैक जार्विस ओपन करेंगे, प्लस आपको 2 ओवर तक गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। लास्ट मैच के अंदर देखोगे तो 79 रन प्लस 1 विकेट निकाले हैं। ओवरऑल देखोगे 366 रन प्लस 16 विकेट है दोस्तों, बहुत बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों, आप इनको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए ले सकते हैं। इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत बढ़िया खेला है, तो सबसे शानदार पिक रहेगा दोस्तों यहाँ पे जैक जार्विस, जो कि कैप्टनसी के लिए आपको लेने हैं। बाकी लेम की बात करते हैं, फर्स्ट राउंड पे खेलेंगे, पूरे टूर्नामेंट के अंदर देखोगे 282 रन स्कोर करा है, लास्ट मैच के अंदर देखोगे 58 रन बनाया हुआ है। अंगूस गे जो कि टीम के सेकंड राउंड पे खेलेंगे, पूरे टूर्नामेंट के अंदर 10 रन बनाया हुआ है। एलेक्स पूरे टूर्नामेंट के अंदर 152 रन स्कोर करा है दोस्तों, टीम के थर्ड राउंड का बैट्समैन है। बाकी हुमायूं मजीद जो कि पूरे टूर्नामेंट के अंदर 21 रन बनाया हुआ है, आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं, इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। उजेर शाह जो कि 5 नंबर पे खेलेंगे, 5 से 6 नंबर पे आपको लगभग बैटिंग करते हुए दिखेंगे। ओवरऑल देखेंगे 61 रन बना के 14 विकेट अभी तक निकाला हुआ है। बाकी जैस्पर डेविडसन पूरे टूर्नामेंट के अंदर 35 रन बना के 2 विकेट चटकाए हैं दोस्तों अभी तक। के सजाद की बात करते हैं तो अभी तक 148 रन बना के 10 विकेट चटकाया हुआ है। बाकी एड्रियन नेल पूरे टूर्नामेंट के अंदर 12 विकेट निकाला हुआ है। लुइस 10 विकेट चटकाए हुए हैं। कॉलम गार्डन की बात करते हैं, 197 रन स्कोर करा है। जैक की बात किया जाए तो इस टूर्नामेंट के अंदर 39 रन बना के 16 विकेट निकाले हैं। ये बॉलर है और अपने स्पेल के 2 ओवर तक बॉलिंग कन्फर्म करते हुए आपको दिख जाएंगे। बाकी बेन डेविडसन का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। ओली हरिस की बात करेंगे तो 123 रन स्कोर करा है। बाकी तैमूर अहमद जो कि टीम के सेकंड राउंड पे, कभी फर्स्ट राउंड पे, कभी थर्ड राउंड पे खेलने के लिए आते हैं, पूरे टूर्नामेंट के अंदर देखोगे 79 रन बनाया हुआ है। बाकी अलास्टर इवंस जो कि पूरे टूर्नामेंट के अंदर 16 रन बना के 3 विकेट निकाला हुआ है। जिसन बसीर की बात करेंगे तो इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। ब्रैडली पहले मैच के अंदर फ्लॉप, फिर 2 विकेट और लास्ट के 3 मैच के अंदर ये फ्लॉप रहे हैं। बाकी क्रिस्टोफर की बात करेंगे दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों लास्ट के 3-4 मैचेस में ये फ्लॉप रहे थे, लेकिन 1 मैच इनका हाई
हाईएस्ट स्कोर था 56, बाकी के सारे मैच के अंदर ये लगभग फ्लॉप ही साबित हुआ है। तो स्कॉटलैंड 11 का बैटिंग ऑर्डर है दोस्तों, और ध्यान रखना आपको सेम बैटिंग ऑर्डर इस मैच के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन इंग्लैंड 11 की बात करते हैं जो कि अभी तक 6 मैचेस खेला हुआ है, डेन जो कि टीम के दोस्तों ओपन करते हैं, लेकिन लास्ट मैच के अंदर फर्स्ट राउंड पे बैटिंग करने के लिए आया था और 60 रन स्कोर करा है। आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में नजर आएंगे दोस्तों, हम लोग इनको वाइस कैप्टनसी के लिए आज ट्राई करने वाले हैं। बेटर ऑप्शन है, अच्छा खेलें लास्ट मैच के अंदर, अच्छा खेलते हैं दोस्तों। फॉर्म इनका कभी कभी अगर आप देखोगे तो खराब जाता है, लेकिन यहाँ पर अक्सर देखेंगे तो अच्छा पारी खेलता है। अभी तक देखोगे 6 मैच के अंदर 146 रन स्कोर करा है। हैरिसन वर्ड ये दोस्तों टीम के ओपन करेंगे, पूरे टूर्नामेंट के अंदर 97 रन स्कोर करा है, लास्ट मैच के अंदर 39 रन बनाते हुए आ रहे हैं। थॉमस विवन की बात करते हैं, फर्स्ट राउंड पे खेलेंगे, लेकिन लास्ट मैच के अंदर थर्ड राउंड पे खेलते हुए 32 रन स्कोर कराया है। ओवरऑल देखोगे 92 रन बनाया हुआ है। बाकी यहां पे 11 कॉल्स की बात करेंगे दोस्तों, ये लास्ट के कुछ मैच के अंदर ओपन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मात्र 39 रन स्कोर कराया है 6 मैच के अंदर। बेन की बात करते हैं दोस्तों, पूरे टूर्नामेंट के अंदर 59 रन बना के 7 विकेट चटकाया हुआ है। बाकी एंडर स्टर्न जो कि पूरे टूर्नामेंट के अंदर 82 रन बना के 7 विकेट चटकाया हुआ है। बाकी जफर चौहान पूरे टूर्नामेंट के अंदर 10 रन बना के 3 विकेट निकाले हैं। सेम की बात करते हैं दोस्तों, पूरे टूर्नामेंट के अंदर 60 रन बना के 6 विकेट निकाला हुआ है एलेक्स। इनका रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो दोस्तों बीच के 2 मैच के अंदर इनको विकेट मिला था, लेकिन स्टार्टिंग के 2 मैच का अगर गौर करेंगे तो विकेट नहीं मिला, और लास्ट मैच के अंदर भी ये फ्लॉप रहे हैं आप देख सकते हैं। लेकिन वही टॉम की बात करेंगे दोस्तों, पहले मैच के अंदर बैटिंग बॉलिंग से फ्लॉप, फिर यहाँ पे 2 रन प्लस 2 विकेट निकाला हुआ है। बाकी मुंगर असल पूरे टूर्नामेंट पहले मैच के अंदर फ्लॉप, फिर 1 विकेट, फिर फ्लॉप रहा था, फिर यहाँ पे 1 विकेट और लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट निकाला हुआ है। ये भी गेंदबाजी अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया करते हैं, आप इनको एज ए बॉलर ट्राई कर सकते हो, जो बॉलिंग आपको 2 ओवर तक करते हुए दिख जाएंगे। टॉम का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं, पहले मैच के अंदर 14, फिर 7, फिर यहाँ पे 1 रन। बाकी अर्थर गोडसाल की बात करेंगे, पहले मैच के अंदर बैटिंग बॉलिंग से फ्लॉप, फिर 40 रन बना के 2 विकेट, फिर 9 रन बना के 1 विकेट, फिर यहाँ पे 2 विकेट और लास्ट मैच के अंदर फ्लॉप रहे, लेकिन ओवरऑल देखोगे 49 रन बना के 4 विकेट चटकाए हुए हैं। तो आप इनको चाहें तो एज ए बॉलर ले सकते हो, जो बॉलिंग अब वो कन्फर्म 2 ओवर तक करते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड है दोस्तों यहाँ पे स्कॉटलैंड 11 और इंग्लैंड 11 का। आपको लगभग सेम बैटिंग ऑर्डर इस मैच के अंदर भी देखने को मिलने वाला है, तो इसमें से आपको जो भी बेटर लग रहा है स्टैट्स को फॉलो करते हुए, प्लेयर्स को देखते हुए दोस्तों आप ले सकते हैं अपने टीम को, जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है दोस्तों, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। हालांकि मैंने आपके लिए डेमो टीम बना के रखा है बिफोर लाइनअप, चलिए उस टीम की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले विकेट कीपर से, जो आज आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको कहा था, इंग्लैंड 11 की टीम की तरफ से डेन बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, तो इनको अपने टीम के अंदर आपको ट्राई करना होगा दोस्तों। अगर आप चाहें तो स्कॉटलैंड 11 की टीम की तरफ से आप इनको ग्रैंड लीग के अंदर ले सकते हो, अदरवाइज ये सबसे बेस्ट चॉइस रहेगा आपके लिए, खास करके जो हेड टू हेड की टीम क्रिएट करते हैं दोस्तों, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बैटिंग में देखते हैं 3 बैट्समैन, जिसमें से लेम बेस्ट रहेगा दोस्तों आपके लिए। इंग्लैंड 11 की टीम की तरफ से इनका रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा शानदार है, बाकी एच वर्ड को मैं ट्राई करूंगा। जैसे कि आपको कहा था मैंने, ये 3 प्लेयर जो है ना बैटिंग सेक्शन में आपके टीम के अंदर होना जरूरी है। अगर आप चाहें तो वो हैरिस को ट्राई कर सकते हैं या फिर टी वेवन को भी ले सकते हैं, इन दोनों का रिकॉर्ड काफ़ी बेहतर है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग पर बताया था। ठीक है, तो इन तीनों बैट्समैन को फिलहाल मैं अपने टीम के अंदर ट्राई करता हूँ। बाकी ऑलराउंडर में देखेंगे तो मैंने 4 ऑलराउंडर को लिया हुआ है, जिसमें से स्कॉटलैंड 11 के 2 प्लेयर है, बाकी इंग्लैंड 11 के टीम की तरफ से 2 प्लेयर। मतलब ओवरऑल देखेंगे तो मैंने 4 ऑलराउंडर के साथ यहां पे टीम क्रिएट किया हुआ है, इन चारों का रिकॉर्ड सबसे बेहतर है। वहीं रहा दोस्तों बॉलिंग की बात, तो मैंने 3 बॉलर को ले रखा है गाइस, जिसमें से स्कॉटलैंड की टीम की तरफ से 2 गेंदबाज है, बाकी 1 गोडसाल को मैं ट्राई करूंगा, जो अपने स्पेल के 2 ओवर तक बॉलिंग आपको कंफर्म करते हुए दिख जाएंगी। अब रहा टीम प्रीव्यू की बात, तो मेरा टीम प्रीव्यू देख सकते हो दोस्तों, इसमें से कैप्टनसी के लिए जेस जारविस को मैं ट्राई करूंगा, और वाइस कैप्टनसी के लिए डैन सबसे शानदार पिक रहने वाला है। तो ये मेरे साइड से टीम है, बाकी इसमें अगर आपको 1-2 प्लेयर चेंजेस करना हो तो आप कर सकते हैं। बाकी मेरा फाइनल टीम आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोगों को जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए, जो आपके हेल्प करने के लिए बनाया गया है। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मैंने शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जहाँ आप कमेंट करते हैं ना, पहला कमेंट पर मैंने लिंक आपको पिन कर दिया, जैसे आप क्लिक करोगे तो ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, एक बार ज्वाइन जरूर कर लेना। टेक केयर, बने रहे हमारे चैनल पर, ऐसे इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो आते रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।